जय बागेश्वर धाम। और अभी हमें दशहरा मैदान में खड़े हुए हैं और जो गुना में गोपालपुरा में जो कार्यक्रम होने वाला है, जय बागेश्वर धाम का जो कथा होने वाली है, तो चलिए आइए, कुछ भक्त हैं हमारे, उनसे बात करते हैं एक करके। तो भैया आपका नाम बताएं। संदीप रघुवंशी। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो हम यहाँ करंट में पांडाल में खड़े हैं और अभी आप व्यवस्थाएँ सही तरीके से नहीं हो पाई हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ। अभी बहुत टाइम है, हालांकि शाम तक सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी और बहुत तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर क्या क्या तैयारी चल रही है उसके बारे में थोड़ी बताएं। यहाँ पर पांडाल बनाया जा रहा है, महाराज यहाँ पर कथा करेंगे और सामने भोजन व्यवस्था रखी गई है और यहाँ पर टॉयलेट वगैरह सब उत्तम व्यवस्था रखी गई है। सामने हमारी यज्ञशाला भी बन रही है, उस हिसाब से सारी संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। लगभग अभी चार दिन के लगभग पानी बरस रहा है, जैसे कोई श्रद्धालु बाहर से आएगा उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है आप बताएं। उसके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, सामने वो मतलब सोने वगैरह की व्यवस्था भी है और रात में भोजन चलेगा तो वहाँ पर वो भोजन भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी उनको असुविधा नहीं होगी। और ये कितने दिन का कार्यक्रम है और बागेश्वर धाम कब आएंगे और कौन कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये 5-6 दिन का कार्यक्रम है अपना, बागेश्वर धाम आएंगे 10 तारीख को, दिव्य दरबार लगेगा उनका और अपने ये अनूप जटोजा जी आएंगे, वो गाएंगे भव्य गीत और अपने ये हेमामानी जी आएंगी, वो नृत्य करेंगी माता के उस पर और ये एक और वो आएंगे अपने खाटू श्याम भजन गाएंगे, जो अपने लक्का जी आएंगे वो खाटू श्याम भजन गाएंगे। तो यहाँ पर जे पीछे अभी ये तैयारी आप देख रहे होंगे, अभी स्टेज भी नहीं बना, शाम तक पूरी तैयारी हो सकती है और कितने श्रद्धालु और जो भक्तगण यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 3,000 की क्षमता है, अभी अपने वॉलेंटियर हैं जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग शाम तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा अपना। और चले आइए हम दूसरे भक्त से बात करते हैं, नाम बताएं आपका। सौरभ जाट मेरा नाम है। और थोड़ी यहाँ की तैयारी के बारे में थोड़ी तैयारी, देखो क्या है तैयार तो सब कुछ, मतलब आज एक दिन अपन पे पूरा अपन तैयारी आराम से हो सकती है, बिल्कुल तैयारी होगी, विश्वास के साथ हम कहते हैं कि तैयारी बिल्कुल होगी, आवश्यक तैयारी पूरी होगी। और यहाँ पर कलश यात्रा हो रही है, कितने कलश भरे जाएंगे और कहाँ से शुरुआत होगी? कलश तो 20,000 से ज़्यादा कलश हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये अपन को मतलब पता नहीं कि कितने हो सकते हैं, अनुभव अपन कह सकते हैं। और ज्येष्ठम चौराहे से अपनी कलश यात्रा चालू हुई सुबह सात बजे से हो जाएगी, सुबह 7 बजे। और वो कलश यात्रा में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कलश यात्रा में सब व्यवस्थाएं, मतलब पानी का ठंडा है, सब कुछ ठंडा ही, अपन ऐसे कहना जो भी इंसान सेवादार करता है, जो भी देना चाहता है वो सब करता है इंसान, रास्ते में कहीं कहीं अपन को मिलेगा, सब मिलेगा, ठंडा मिलेगा, पानी मिलेगा, भोजन भी मिल सकता है कहीं कहीं कम मिला। और भोजन की क्या व्यवस्था की गई है? और भोजन की अपन पे सामने भोजनशाला बन रहा है, पंडाल बन रहा है, उसमें सब श्रद्धालु के लिए, जो भी बाहर से आ रहे हैं या ना आ रहे हैं, सबके लिए भोजन की, जैसे बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या समय रहेगा भोजन का? और यहाँ पर कथा शुरुआत भोजन अपन शाम को होगा, कथा अपने 2-2.5 बजे से अपन को कथा चालू हो जाएगी। जैसे भक्त सुबह से ही आ जाएंगे तो सुबह से आएंगे, पंडाल में कोई नहीं व्यवस्था है आपको रुकने की, सब कुछ व्यवस्था है, सुबह से भी अपना यज्ञ चलेगा सुबह। यज्ञ का क्या समय रहेगा? यज्ञ का सुबह रहेगा 7 बजे से। और यहाँ पर कथा कितने समय से होगी? कथा अपनी वो 2-2.5 बजे से अपनी कथा चालू हो जाएगी। और जो संगीतम कार्यक्रम हो रहे हैं उसका क्या समय रहेगा? चालू नहीं करेंगे 8 बजे से। चलो ठीक है दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।